पंजाब के कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा जिस वक्त हमारे साथ हैं। बाजवा साहब, दिल्ली ने टैक्स लगाया है शराब के ऊपर, क्या पंजाब भी इस तरह का कोई टैक्स लगाने जा रही है या फिर होम डिलीवरी की बात की जा रही है? ये फैसला कैबिनेट करेगी या साढ़े सीएम साहब करेंगे, मेरे में ऐसा राइट नहीं है। जो कैबिनेट में जब बैठेंगे तो फिर वहाँ पर प्रपोजल देंगे, जो उसमें डिस्कशन होगी फिर फैसला। अगर मैं पड़ोसी राज्य की बात करूँ हरियाणा की, हरियाणा ने भी डीजल और पेट्रोल के ऊपर है वो टैक्स लगाया है, आपकी क्या राय मानते हैं, क्योंकि आप सीनियर नेता है पंजाब कांग्रेस? देखो, कुछ ना कुछ तो टैक्स लगाना चाहिए कि कोरोना की लड़ाई से लड़ने के लिए, अस्पताल अपग्रेड करने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए, दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसे तो चाहिए। तो कितना लगता है ये फैसला कैबिनेट करेगी या सीएम साहब करेंगे? तो सर, उसके बाद अगर हम पंजाब की बात करें, जो श्रद्धालु नांदेड़ साहब से लौटे हैं उसके बाद से पंजाब में जो कोरोना संक्रमित केसेज है उसमें काफ़ी इजाफा देखने को मिला है, क्या मानते हैं किसकी गलती, क्यों छींटाकशी है दोनों ही तरफ से चल रही है? गलती किसी की भी नहीं है, जो आए हैं पंजाबी भाई आए हैं नांदेड़ साहब से, तो उनको मालूम ही नहीं था हम बीमार हैं। वहाँ जो टेस्ट हुए वहाँ टेम्परेचर टेस्ट किया, किसी लैब में टेस्ट थोड़ा किया, जब किसी लैब में टेस्ट किया तो वो लैब का रिजल्ट हमें बता दे। अभी पंजाब सरकार की बसें पहुंची नहीं थे, वहाँ से यात्रियों चल चुके थे मैनेजमेंट गुरुद्वारा मैनेजमेंट की बसों में, उनमें कोरोना कैसे आ गया? पंजाब के ड्राइवर तो पहुँचे भी नहीं थे, तो वो पंजाब में पहुँच गए, उनके उनमें कोरोना कैसे आ गया? लेकिन अकाली दल है वो तो सारा ब्लेम है कांग्रेस के ऊपर लगा रही है, साफ तौर पर कह रही है कि कैबिनेट मंत्री है। अकाली दल आइडल बैठे हैं, वेले बैठे हैं, क्या करें, इल्जाम ही लगाना उनके पास और क्या काम है? पर अकाली दल ने कौन सा पॉजिटिव काम किया ये पंजाबियों को बताए? किसी यात्री के लिए बस भेजी, सुखबीर के पास 700 बसें को बस भेजी, उनके पास अपने हवाई जहाज को हवाई जहाज भेजा। अब जो वो शिविरों में बैठे हैं, सुखबीर जी जो हर शिविर मजीठिया उन शिविरों में कभी किसी का पता लेने गए, किसी का दुख सुख पूछने गए, इल्जाम ही लगाने हैं? बिल्कुल, मजीठा में शिविर में 12-13 मरीज थे, क्या मजीठिया साहब वहाँ गए? अब अमृतसर में 300-400 बीमार बैठा है, क्या मजीठिया साहब अमृतसर में गए? क्या सुखबीर जी गए? क्या हरसिमरत गई? क्या इल्जाम लगाना ही है? सर, एक नई मुसीबत जो सामने आ रही है वो प्रवासी मजदूरों को लेकर है, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन चिट्ठी लिखने के बाद जो स्पेशल ट्रेन थी वो अभी तक नहीं दी गई है, किस तरह से भेजा जाएगा प्रवासी मजदूर को? देखिए, आप ये इनको पहले रोकना ही नहीं चाहिए था, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि इनको पहले दिन से ही जाने देना चाहिए था। अब 8 लाख है, अब 8 लाख को कितनी ट्रेनें चाहिए इसका फैसला आप समझ लीजिए। एक ट्रेन में 2000 जाता होगा, 3000 जाता होगा, 8 लाख आदमी कितनी ट्रेनों में, कितना समय लगेगा, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ट्रेन पर जाना है, ट्रेन सेंट्रल गवर्नमेंट की है, अब दिहाड़ी की 100-100 ट्रेन चलेगी तो तब बात बनेगी। सर, जो ये ऑनलाइन शराब की बात की जा रही है, ये फैसला है पहले लॉकडाउन से पहले का लिया जा रहा था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, मोहाली में शुरुआत करनी थी? कोई फैसला नहीं है, ये सब बातें हैं, ये प्रपोजलें हैं, कैबिनेट में फैसला होगा, या कैप्टन साहब से हमारे सीएम साहब फैसला लेंगे, जब कैबिनेट होगी तब फैसला होगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि तमाम जो फैसले हैं वो ऑनलाइन जब या फिर कैबिनेट की बैठक है उसके बाद ही लिए जाएंगे। ललित शर्मा, न्यूज़ PHH, चंडीगढ़।